बिहार टीवी, नई सोच, नई दिशा। नालंदा सूबे की 10वीं टॉपर काजल बनाना चाहती है डॉक्टर। सेल्फ स्टडी कर पिता के सपना को कर रही पूरा। नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल स्थित रामबाबू हाई स्कूल की काजल कुमारी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में सूबे में 10वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन की है। रिजल्ट जारी होते ही आसपास के लोग उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। काजल के पिता मेहनत मंजूरी कर अपने बच्चों को उसके सपनों को पूरा कर रहे हैं। काजल ने बताया कि वह स्कूल के अलावा घर पर सेल्फ स्टडी कर 479 अंक लाकर इस मुकाम को हासिल की है। उसकी इच्छा है कि आगे पढ़ाई कर डॉक्टर बन गरीब और ग्रामीण और क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सेवा करें। मैट्रिक परीक्षा में 72 प्रदर्शन किए हैं काजल। आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या मेहनत किया जो मैट्रिक परीक्षा में 72 प्रदर्शन किया? घर पे सेल्फ स्टडी करते थे और स्कूल जाते थे और डॉक्टर आगे बनना चाहते हैं। आगे डॉक्टर बनने की तमन्ना है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रेलवे में प्राइवेट जॉब करते हैं। कितना आमदनी होता होगा पिताजी का? 10,000 मिलता है। लगता है कि 10,000 से डॉक्टर बन पाएगी? पापा तो बोलते हैं कि खूब मेहनत करके पढ़ाएंगे, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक पढ़ाएंगे, अपना तरफ से खूब मेहनत कर। और कितने भाई हैं? एक भाई और एक और दो बहन हैं। माँ क्या करती हैं? माँ घर में हाउसवाइफ हैं। अच्छा, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? माता पिता और गुरु को। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी। आपका बच्चे मैट्रिक परीक्षा में 72 प्रदर्शन किया है, कैसा खुशी जाहिर कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी, खुशी से आंसू आ गया। अच्छा, खुशी का आंसू आ गया। इसका तमन्ना है कि हम डॉक्टर बने, इसके लिए क्या आप कहां से पैसा जुगाड़ करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, इस पर आपकी क्या राय? उसको पापा मेहनत करके तो पढ़ाइए रहे हैं और जहाँ तक होगा सरकार भी इस तरह ठीक करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, सरकार से सहयोग कर सकता है, सहयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, आप क्या करते हैं? ऐसे खाना बनाते हैं, कुछ नहीं घर पर रहते हैं, बाल बच्चों को देखते हैं, कुछ नहीं करते। क्या नाम है? शोभा कुमारी। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।